भाइयों, मैं ये एक बात कहता हूं, ओडिशा के महानदी में कितने पानी है, ओडिशा के महानदी में कितना पानी है, हमारे जरूरत से ज्यादा पानी है। ओडिशा यूज करता है कितना, 25% 30% हम यूज करते हैं, बाकी 50 साल से बह रहे हैं समंदर में। हमें पीने का पानी नहीं है, महानदी के अलावा ब्राह्मणी भी है, वैतरणी भी है, छोटे मोटे कई अन्य नदियां भी है, जा तो कहां जा रहा है पानी? ये पानी हमारे घर में नल के रूप में क्यों नहीं आ रहा है? पीने के पानी का किल्लत होना चाहिए कि ओडिशा में या देश के किसी अन्य राज्य में? 75 साल में आप इतनी लंबी लंबी भाषण देके, लंबी लंबी आश्वासन देके, कम से कम पीने का पानी नहीं देने के लायक नहीं है। ना पानी का पानी मिलता है, ना करंट मिलता है, फिर क्या मिलता है? भाषण मिलता है? बेरोजगार युवा फिर रहे, करोड़ों युवा किसान आंदोलन करते हैं क्यों? किसान को 13-13 महीने देश के राजधानी में दिल्ली में आंदोलन करना पड़ता है। ये किसी देश में संभव है? सिर्फ भारत में 13-13 महीने शर्म करने की बात है। आखिरकार हुआ क्या है? 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया, उसका नतीजा जीरो, एक भी समाधान नहीं मिला, एक भी समस्या नहीं सुलझा। कम से कम आज तक केंद्र सरकार से एक भी आश्वासन नहीं मिला कि देश के जनता का, देश के किसानों का, देश के गरीबों का इतना मजाक उड़ाया जा सकता है। ये मजाक नहीं है तो क्या है? ये तो खिलवाड़ है जनता के साथ, किसान के साथ। ये सारे चीज बंद होना चाहिए। इसीलिए मैंने नारा दिया है, अब की बार किसान सरकार। किसान हल चलाना ही नहीं, कलम चलाना भी सीखना चाहिए। आगे चुनाव में हमारा यही नारा होगा। काफी एमएलए हम बना चुके हैं, एमपी बना चुके हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, क्या क्या नहीं बनाए। अब हमको ही, किसानों को ही एमएलए बनना है, एमएलए चुनना है और देश का कलमदान संभालना है। चलो तब हम देखते हैं कैसा पानी समंदर से नहीं जाते हुए भूभाग में कैसा नहीं आता, पीने का पानी भरपूर पेट भर पानी कैसा नहीं आता। मैं एक मिसाल देता हूं भाइयों, आप लोगों को, बहनों, 8 साल पहले तेलंगाना में भी बड़ी किल्लत थी, बिजली का भी, पीने का पानी का भी, सिंचाई का पानी का भी, हर चीज के लिए हम भी यहां तरसते थे। जो मन से काम किए, आज यहां पूरा समाधान मिल गया। तेलंगाना के हर घर में, वो आदिवासी हो, बंजारा हो या बंजारा हिल के अमीर हो, सभी को एक ही तरह का पानी हर घर में नल के साथ, पूरे घर में, तेलंगाना के 100 के 100% घर में शुद्ध पानी, पोर्टेबल वाटर मिलता है। अगर ये बात तेलंगाना संभव में है, तेलंगाना में संभव हुआ है, बाकी पूरे देश में क्यों संभव नहीं है? अगर ये यहां हो सकता है तो उड़ीसा में क्यों नहीं होगा, राजस्थान में क्यों नहीं होगा, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होगा, देश के किसी अन्य जगह क्यों नहीं होगा? ये धन की बात नहीं है। अब देखिए, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान कर रहा है आज के समय में। अखबारों में पढ़ते हुए शर्म से हमारा सर झुक जाता है। क्या महाराष्ट्र के पास धन की कमी है? तेलंगाना तो महाराष्ट्र से कमजोर है। यहां किसान के आत्महत्या हमने बड़ी प्रयास करके, कृषि क्षेत्र को खड़ा करके, थोड़ी सुधार लाके यहां आत्महत्या हमने बंद किया। यहां से जो माइग्रेशन था, पलायन था लोगों का, 50% लोग पलायन होते थे महबूबनगर जैसे जिले से, सारे वापिस आ गए, सारे ही लोग वापिस आ गए। और आज किसान तेलंगाना का आत्महत्या नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, अपने सर उठा के जी रहे हैं। ये तेलंगाना में संभव है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं, उड़ीसा में क्यों नहीं?
ये धन की बात नहीं है, मन की बात है। धन की कमी नहीं है, मन की कमी है। इच्छा शक्ति होना चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति होना चाहिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट होना चाहिए। इसीलिए भाइयों मैं कह रहा हूं कि चुनाव में जनता जीतने की प्रक्रिया शुरू करेगा, वो परिवर्तन लाएगा भारत राष्ट्र समिति पार्टी। उस परिवर्तन के लिए ही देश का परिवर्तन चाहते हुए उच्च गुणवत्ता वाला परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज लाने का प्रयास शुरू हुआ है और ये प्रस्थान विजय प्राप्त करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए नहीं, कुछ लोग हमारे मजाक उड़ाएंगे, कोई बात नहीं है, वो मोटे लोग हैं, लंबे लोग हैं, चौड़े लोग हैं, उनके पास पैसे ज्यादा है, षड्यंत्र ज्यादा है, हाँ तो सब कुछ है, हो सकता है हम गरीब है, लेकिन हमारे साथ न्याय है, उनके साथ वो नहीं है। हम जो मांग कर रहे हैं न्याय की मांग कर रहे हैं। जब हम इंसान होकर पैदा हुए हैं, इंसानी हक जो होते हैं, जो ह्यूमन राइट होते हैं, ये भीख मांग के लेना नहीं चाहिए, ये तो छीन के लेना चाहिए। इसलिए कि हम इंसान हैं, जब हम इंसान बन बैठे तो इंसानी हक हमको मिलना चाहिए, इसको छीन लेना चाहिए अगर नहीं मिल रहा है। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ा उंगली से निकालना चाहिए, यही काम कर सकता है, कुछ दूसरा काम नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ मुश्किल झेलने पड़े, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे, आगे चल के विजय जरूर मिलेगा। एक ईमानदार सोच से पूर्ण देश का परिवर्तन चाहते हुए मैं एक दो बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। बिजली की कमी नहीं है देश में, स्थापित विद्युत शक्ति देश में 4 लाख मेगावाट से भी ज्यादा है। देश ने आज तक कभी 2 लाख 10 हजार मेगावाट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। उड़ीसा में ही कहीं है बिजलीघर बने बने, कितना सुंदर कोयला मिलता है अपने तालचेर में, डेंकनाल में कितना जबरदस्त कोयला मिलता है। इतना ज्यादा कोयला खदान रखते हुए ओडिशा में बिजली की किल्लत क्यों भैया, समझ में नहीं आता। इसके लिए हमको अमेरिका से भीख मांगनी है, किसी के सामने हाथ पसारने हैं, पर इसके लिए भी हमें क्यों भीख मांगना पड़ता है, इसमें भी क्यों शॉर्टेज होता है। जो संपत्ति, यही कह रहा था, संपत्ति हमारे पास है, हमारे तालचेर में, हमारे डेंकनाल में कितना जबरदस्त वर्ल्ड क्लास कोयला है, तो क्या हो रहा है उस कोयला का,